मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्षय तृतीया के पावन पर्व के अवसर पर प्रत्येक गौठानों में माटी पूजन करने का निर्देश दिए, जिसके तहत कार्यक्रम का आयोजन देवर बीजा गौठान में नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह देवर बीजा के महिला द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में टीआर साहू सदस्य जिला पंचायत बेमेतरा ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के पूजा अर्चन किए, तत्पश्चात माटी पूजन के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश शपथ पत्र का वाचन किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही है। इस कड़ी में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवन के लिए रासायनिक खादों कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के साथ गौमूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को ही आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 3 मई को अक्षय तृतीया पर राज्य में माटी पूजन दिवस मनाने का महाअभियान प्रारंभ किया गया है। वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज के लिए बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए नई शुरुआत अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में समस्त गांव में जहां जहां गौठान निर्मित हो चुका है वहां माटी पूजन दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि वर्तमान में रासायनिक खाद के स्थान पर गौठान में बनने वाले वर्मी खाद का प्रयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और यदि वर्मी खाद का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा। लोगों के स्वास्थ्य में अधिकांश पैसा बर्बाद हो रहा है तो धीरे धीरे इसमें कटौती होगी जब हम रासायनिक खाद को कम करते जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट खाद को उपयोग में लाते जाएंगे। तो ये जागरूकता के लिए भी और दूसरी तरफ अक्षय तृतीया का अपना महत्व है। एक महत्व ये है, अक्षय तृतीया के माना जाता है भगवान विष्णु का छठवां अवतार परशुराम जो अमर है। अक्षय का मतलब होता है जिसका नाश न, उसका अवतार के रूप में माना जाता है। एक कहीं पर किदंती पढ़ने को मिलता है विष्णु का नर नारायण रूप का अवतार भी आज के दिन हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो मान्यता के आधार पर मानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन गांव में माता शीतला की पूजा करके उस पर जल अर्पित करके ही गांव में जल घरों में ले जाया जाता है ताकि आने वाले समय में शांति बना रहे, सुख समृद्धि लोगों को प्राप्त हो।